विश्व विज्ञा शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्रों के लिए पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ में नवरात्रि में ज्वालामुखी मंदिर में बाहर से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं ने लाइनों में ज्वाला माँ की ज्योति के दर्शन किए और माँ का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मंदिर परिसर में 50 CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्रों के लिए पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ में नवरात्रि में ज्वालामुखी मंदिर में बाहर से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं ने लाइनों में ज्वाला माँ की ज्योतियों के दर्शन किए और माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में 50 CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है। ज्वालामुखी शहर में नवरात्रों के दौरान 144 धारा लागू की गई है, जिससे पूरे मंदिर परिसर और शहर में नजर रखी जा रही है। श्रावण अष्टमी नवरात्रों में पुलिस प्रशासन की तरफ से 150 पुलिस पर होमगार्ड के जवान सुरक्षा व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में श्रावण अष्टमी 1 अगस्त से 10 अगस्त तक चलेंगे। इन नवरात्रों में मंदिर ने सीनियर सिटीजन, अपंग व प्रेग्नेंट लेडीज को दर्शन करवाने के लिए विशेष सुविधा की गई है। इन नवरात्रों में सातवें नवरात्रे तक लाखों श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। SDM ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग दर्शनों के लिए 150 पुलिस होमगार्ड व सिक्योरिटी गार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। इन नवरात्रों में लगभग 50 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और इन नवरात्रों में सीनियर सिटीजन, अपंग व प्रेग्नेंट लेडीज को ज्वाला माँ के दर्शनों के लिए विशेष सुविधा की गई है। सुरक्षा व्यवस्था लगभग 150 जवान तैनात करे हैं, उनमें से हमारे होमगार्ड के हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, पुलिस वाले हैं। इसके अलावा 50 से ज़्यादा जो CCTV कैमराज हैं वो हमने इंस्टॉल करवाए हुए हैं। बाकी तो हम पब्लिक अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं कि किसी भी यात्री को, श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, जो विकलांग है या जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है या इस तरह के जो हमारे श्रद्धालु हैं, उनके लिए हमने मंदिर परिसर में ये व्यवस्था करी है कि अगर वो हमारे संपर्क में आते हैं तो जो हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, हम उनको इंस्ट्रक्ट करके उनको स्पेशल जो है वो अलग रास्ते से ले जाके, VIP रास्ते से ले जाके उनको दर्शन करवाते हैं। और नीचे से उनको ऊपर लाना थोड़ा सा हमारे लिए गाड़ी वगैरह की व्यवस्था भी बन नहीं पाई है। आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर भी सोच रहे हैं कि जो नीचे बस स्टैंड है उससे कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि इन दिनों में उन लोगों को कुछ ऐसी सुविधा हम दे सकें, लेकिन ये आने वाले दिनों में हमारी ऐसा करने की भरपूर कोशिश रहेगी। इस संदर्भ में DSP तिलक राज ने कहा कि नवरात्रों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नवरात्रों में ज्वाला माता के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से नारियल मंदिर से बाहर मां के चरणों पर चढ़ाए जा रहे हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के 2 मेटल डिटेक्टरों से गुजरकर उन्हें मंदिर में भेजा जा रहा है और पुलिस जवानों के पास हेड हैंडल मेटल डिटेक्टर भी दिए गए हैं, जिससे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली जा सके और उसे पकड़ा जा सके। इन नवरात्रों में पुलिस प्रशासन ने 150 पुलिस पर होमगार्ड के जवान सुरक्षा व्यवस्था के लिए 24 घंटे तैनात रहेंगे और पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो सके। इन नवरात्रों में 50 CCTV कैमरों से भी पूरे मंदिर परिसर व पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। श्रावण अष्टमी मेलों को लेकर हमारे पुलिस के और होमगार्ड के 150 जवान जो पूरी ज्वालामुखी शक्तिपीठ के आसपास तैनात और अंदर भी तैनात हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने के लिए आ रहे हैं उनको DFMD और HHMD से चेक करके अंदर भेजा जा रहा है ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो सके। और नारियल को जो सुरक्षा की दृष्टि से हम बाहर ही रखवा रहे हैं ताकि नारियल अंदर ना जा सके। और इसके अलावा 50 हमारे CCTV कैमराज यहाँ लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे पर हमारी नज़र है और लाइनों में भी हमारे जो पेट्रोलिंग पे लोग लगे हों लाइनें भी लगवा रहे हैं। हमारी लाइनें अब अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी के लिए काफ़ी लंबी लाइनें लग रही हैं। इसके अलावा आज तक कोई लाखों श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करके जा चुके हैं, ऐसी कोई परेशानी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड सामने नहीं आई।